Hallelujah. सो आज मैं परमेश्वर के पवित्र वचन में से बात करना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने योना को 3 दिन क्वारंटाइन में क्यों रखा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको सुनना है। आप परमेश्वर के इस वचन को पूरा सुनिए कि परमेश्वर ने योना को 3 दिन क्वारंटाइन में क्यों रखा। कहीं आपको तो इसलिए नहीं रखा हुआ। क्वारंटाइन क्या है? एक होता है कि लोग अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं अपने घर में महामारी के समय में, जन के लोगों से दूर, अवे फ्रॉम पीपल, तो लोगों से अलग हो जाते हैं, किसी से नहीं मिलते जुलते, किसी से भी नहीं। लेकिन अगर सरकार डॉक्टर के कहने से किसी दूसरी जगह पर हॉस्पिटल या किसी और जो भी सरकार ने अरेंज किए हैं जगह पर रखकर आपको 14 दिन के लिए रखती है क्वारंटाइन, उसे कहते हैं अलग रखती है कि ये महामारी संक्रमित जो रोग होते हैं वो ज्यादा ना फैल सके, तो इसलिए उस व्यक्ति को एक अलग जगह पर रख देती है। जैसे इस समय 14 दिन के लिए रख रहे हैं तो उसे क्वारंटाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हाउस होम आइसोलेटेड और क्वारंटाइन में थोड़ा सा अंतर यह है, दोनों ही अलग होना है, सबसे अलग होना। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने योना को 3 दिन क्वारंटाइन में क्यों रखा। कहीं आपको तो नहीं उन कारणों से रखा, तो उसका उत्तर भी मैं ही आपको दे रहा हूं। इससे पहले कि हम योना की पुस्तक में जाएं, एक वचन पहले पढ़ेंगे, भजन संहिता 147 अध्याय और उसका 15 वचन। परमेश्वर पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। पवित्र बाइबल में ये ओवी रीएडिटेड का अनुवाद है, लेकिन एक और अनुवाद है, सरल अनुवाद जो है वो मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर धरती को आदेश देता है और वह तत्काल पालन करती है। यह बहुत अच्छा अनुवाद है इसका कि परमेश्वर धरती को आदेश देता है और वह तत्काल पालन करती है। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि योना को क्यों अलग थलग रखा, क्वारंटाइन में रखा। सो योना की पुस्तक में हम लोग चलते हैं। इससे पहले कि मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊं, कुछ बातों की ओर आपका ध्यान देना चाह रहा हूं। योना 1 अध्याय और उसका 4 वचन। परमेश्वर धरती को देश देता है और वो तत्काल पालन करती है। और यहां हम लोग देखेंगे योना 1 अध्याय 4 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने समुन्द्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुन्द्र में बड़ी आंधी उठी। हालेलुया। प्रचंड आंधी किसने चलाई? परमेश्वर ने। जाने के प्रचंड आंधी आज्ञा का पालन कर रही है। परमेश्वर ने कहा, प्रचंड आंधी को आज्ञा दी और वो आज्ञा का पालन करती हुई चलने लगी समुद्र में, प्रचंड आंधी चलने लगी। तो परमेश्वर धरती को आदेश देता है और तत्काल पालन होता उसका। यहां पर प्रचंड आंधी को आज्ञा दी गई और समुद्र में वो चलने लगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1 अध्याय उसका 17 वचन। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महा मच्छ के पेट और 3 रात पड़ा रहा। इसके साथ ही 2 अध्याय और 10 वचन पढ़िए। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कौन आज्ञा का पालन कर रहा है? मच्छ।
बड़ा सा मच्छ, महामच्छ, बड़ी मछली जो योना को पूरा का पूरा अंदर ले गई। तीन दिन तक क्वारंटाइन में रहा योना, तीन दिन तक मछली के पेट में रहा, मच्छ के महामच्छ के पेट में रहा तीन दिन। अभी तो 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाता है, लेकिन योना को तीन दिन के क्वारंटाइन में रखा, तीन दिन अंदर बस कुछ नहीं, ना किसी से मिलना नहीं, गिलना नहीं, कोई नहीं, क्वारंटाइन में रख दिया तीन दिन तक। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलवाना ये चाह रहा था कि प्रचंड आंधी जो है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है और समुद्र में चलना शुरू कर देती है। यहां हम लोग देख रहे हैं एक मच्छ जो है, ये मछली है, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है और वो अपना मुंह खोलती है और उसके अपने पेट में ले लेती है। परमेश्वर से आज्ञा देते, इसे मत खाना, डाइजेस्ट मत करना, पचा मत जाना, क्योंकि जो कुछ मछली के अंदर जाएगा वो पच जाएगा। तब फिर परमेश्वर से आज्ञा देते हैं इसे बाहर निकाल दे और वो बाहर निकाल देती है। कौन आज्ञा का पालन कर रहा है? बड़ी सी मछली, बड़ा सा मच्छ, महामच्छ, प्रचंड आंधी। चार अध्याय और उसका 6 वचन पढ़िएगा, 4:6। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो और 10 वचन में लिखा है कि एक ही रात में हुआ। परमेश्वर ने क्या किया? रेंड के पेड़ को आज्ञा दी कि योना को छाया करने के लिए एकदम निकल। उसको कितना टाइम लग सकता था, लेकिन एक ही रात में इतना बढ़ा दिया कि उसने उसके सिर पर छाया भी कर दी। कौन आज्ञा का पालन कर रहा है? पेड़, रेंड का पेड़, वो आज्ञा का पालन कर रहा है। एकदम परमिशन बढ़ाया एक ही दिन में, एक ही रात में, एक रात में, और छाया योग्य हो गया, इतना बड़ा कर दिया परमेश्वर ने। सो प्रचंड आंधी आज्ञा का पालन कर रही है, बड़ा सा मच्छ आज्ञा का पालन कर रहा है, रेंड का पेड़ आज्ञा का पालन कर रहा है, रत बढ़ गया और छाया कर दी। अब 4:7। सवेरे जब पो फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेंड का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। किसको भेजा? कीड़े को। कौन आज्ञा का पालन कर रहा है? कीड़ा। परमेश्वर ने कीड़े को आज्ञा दी इसको काटना है, परमेश्वर को सिखाना चाह रहे थे, और कीड़ा आज्ञा का पालन कर रहा है। 4:8। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई। कौन आज्ञा का पालन कर रहा है? लू, गर्म हवा, पुरवाई, लू चलाई। परमिशन कहा, आज्ञा दी गर्म हवा को, लू चलने की, लू चलने लगी। कौन आज्ञा का पालन कर रहा है? लू, गर्म हवा। और 3:5-9 में हम लोग पढ़ते हैं, नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का निडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, ना कुछ खाए और ना कुछ पिए। मनुष्य अपने और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चला चला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। कौन आज्ञा का पालन कर रहा है? राजा से लेकर भिखारी तक आज्ञा का पालन हो रहा है। कौन कर रहा है? पापी व्यक्ति, पापी व्यक्ति भी आज्ञा का पालन कर रहा है जो परमेश्वर को नहीं जानता। पापी व्यक्ति, जब उसे कहा गया कि 40 दिन के बाद तुम नष्ट हो जाओगे, 40 दिन के बाद तुम नष्ट हो जाओगे,
तब वो भी पश्चाताप करने लग गए। अब आज्ञा का पालन कौन नहीं कर रहा? वो था योना, जो परमेश्वर को जानता था, जो परमेश्वर को पहचानता था, जो परमेश्वर से बातें करता था, जो परमेश्वर की बातों को सुनता था, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उसे उठाकर 3 दिन तक क्वारंटाइन में रख दिया। इस संसार में जो परमेश्वर के लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की बात को नहीं सुनते। कौन है यहोवा परमेश्वर? उसकी आराधना नहीं करते। कौन है प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता हमारा? उसकी परवाह नहीं करते। जब परमेश्वर को इन लोगों ने छोड़ दिया, जब परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की आज्ञाकारी करना बंद कर दिया, तब परमेश्वर ने उन्हें क्वारंटाइन में रहने के लिए पाबंद कर दिया। ठीक है, जाओ फिर। सब आज्ञा आपका पालन हो रहा है, प्रचंड आंधी आज्ञा का पालन कर रही है, बड़ा मच्छ कर रहा है, रेण का पेड़ कर रहा है, कीड़ा कर रहा है, गर्म हवा कर रही, लू कर रही है, पापी लोग डर रहे हैं और कांपते हुए कर रहे हैं, लेकिन बस मुझे तो मुक्ति मिल चुकी, मेरा तो उद्धार हो चुका, मैं तो परमेश्वर का मसीह व्यक्ति हूँ, आज्ञा का पालन नहीं करते, मुझे क्या जरूरत है। सो गए उठे और बस कहानी खत्म। परमेश्वर के लोगों, एक अध्याय और 9 वचन में वो कहता है, मैं तो इब्री हूँ। जब उससे पूछा गया अभी तो कौन है, योना कहता मैं तो इब्री हूँ। इब्री जाने के इब्राहिम की वंश के, परमेश्वर की कौम का मैं तो हूँ, मैं तो परमेश्वर का हूँ। ऐसे हो सकता, बहुत से लोग ऐसे हों जो कहते हूँ हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम तो मसीह लोग हैं, और जो हैं वो ही कहना नहीं मान रहे, वो ही आज्ञा का पालन नहीं करते, बाकी सब आज्ञा का पालन कर रहे हैं। परमेश्वर धरती को आदेश देता है और वह तत्काल पालन करती है, लेकिन पालन नहीं करता तो वो है परमेश्वर को जानने पहचानने वाला व्यक्ति, जो अपने आप को मसीह कहता है। जहां इब्री कहता है इब्राहिम के वंश का, परमेश्वर के लोगों, नीनवे क्या था? नीनवे में 120,000 लोग रहते थे। नीनवे इज़राइल के सबसे बड़े दुश्मन, इज़राइल के परमेश्वर के लोगों के सबसे बड़े दुश्मन अशूरी साम्राज्य की राजधानी थी। अशूरी, असीरिया भी कहते हैं उसको, अशूरी साम्राज्य की। और अब मैं आपको बताऊं स्टोरी इसकी, अगर नहीं मालूम तो, परमेश्वर ने योना से कहा, योना नबी भी कहूं तो ये बुरी नहीं होगी बात, योना नबी से कहा कि उठ और प्रचार कर, चल नीनवे में जाओ, और उन्हें प्रचार करके 40 दिन के बाद मैं नीनवे को उल्ट पुलट कर दूंगा। जब ये आज्ञा दी तो वो भागा, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, परमेश्वर का इधर जा, वो कहता नहीं मैं तो इधर जाऊंगा। उसने आज्ञा का पालन नहीं किया। जब एक अध्याय में आप पढ़ते हैं उसका 1 से लेकर 3 वचन तक, यहोवा का जो वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शिश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शिश जाने वाले के जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के समक्ष से तर्शिश को चला जाए। वहां से परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, उल्टा कहीं और जाने के लिए लगा। जब वो जहाज पर कहीं जा रहा था तो रास्ते में परमेश्वर ने क्या चलाया, फिर आंधी और तूफान चला दिया समुन्द्र में। सब लोग डर गए, रोने लगे, पीटने लगे, हम मर जाएंगे, जितना सामान पड़ा था खाने पीने का और सब जो कुछ था सब फेंक दिया समुन्द्र में। आखिरकार जब बात निकली तो ये किसके कारण हुआ है, तब पता चला तो ये तो योना के कारण हुआ है जिसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। तब उसे उसके कहने के अनुसार उसे उठाकर समुन्द्र में फेंक दिया गया और समुन्द्र ने, परमेश्वर ने कहा था
एक मछली को एक मच्छर के इसको निगल ले, तब उसको निगल लिया गया। 3 दिन तक उसके पेट में रहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और फिर वो मिन्नतें करता है, प्रार्थनाएं करता है, मन्नतें मानता है, और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है 3rd दिन। और फिर परमेश्वर कहा चल वहां पर पहुंच, तब वो वहां पर पहुंचकर फिर प्रचार करता है। जब प्रचार करता है कहता है 40 दिन के बाद नीनवे खत्म किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। तब 40 दिन दूर जाकर बैठकर देखने लग गया, अब 40 दिन हो गया, अभी आग गिरेगी और ये नीनवे नष्ट हो जाएगा। लेकिन वहां के लोगों ने, राजा से लेकर भिखारी तक, सबने पश्चाताप किया। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर ने उनकी हानि नहीं की। 3:10 में लिखा, तो जब परमेश्वर ने कहा इनकी हानि नहीं करूंगा क्योंकि ये आज्ञा पालन करने वाले बन गए हैं, तब उसको बहुत बुरा लगा योना को, इनकी क्यों नहीं हानि की। मैं आपको बताता हूँ पूरी बात फिर। तो परमेश्वर ने उसको, जहां वो बैठा था धूप में, परमेश्वर ने एक रात रात में एक रेंड का पेड़ उगाया, उसको छाया कर दी, और जब छाया कर दी और सुबह कीड़े को भेजा और वो खत्म कर दिया, गर्म हवा चलाई और वो एकदम योना रोने लगा। परमेश्वर कहा तू एक रेंड के पेड़ के लिए क्यों ऐसा कर रहा है, जो एक रात में बड़ा था, तूने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, तो इसमें तो 120,000 लोग रहते हैं, मैं इनकी इनकी केयर ना करूं, इनको क्यों नाश करूं, जबकि उन्होंने पश्चाताप कर लिया। सो ये पूरी स्टोरी है, लेकिन एक दो बातें मैं और जो आपको बताना चाह रहा हूं। 4:3 में योना ऐसा व्यक्ति है, ऐसा मसीह है, ऐसा परमेश्वर का आदमी है, ऐसा कहूं। जब परमेश्वर ने लोगों से कहा कि ये लोग नाश हो जाएंगे 40 दिन के बाद, लेकिन उन लोगों ने पश्चाताप किया, आज्ञा पालन किया, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, तो ये क्या कह रहा है, तूने लोगों के प्राण क्यों नहीं लिए। 4:3। अब मेरे प्राण ले ले, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। मुझे कहेंगे इसने कहा तो था और इसकी कही हुई बात पूरी नहीं हुई, वो अपने सोच रहा था। So, परमेश्वर के लोगों क्या कह रहा, वो इनके प्राण क्यों नहीं लिए तूने, उसको बुरा लग रहा, मेरे प्राण ले ले, अब इनको तो आप तूने नहीं मारा, परमेश्वर जी तो, मतलब कुछ बातें उसके जीवन की बता रहा हूं मैं आपको, योना के जीवन की। यानी कि योना चाह रहा था कि वो 40 दिन के बाद नष्ट हो जाते, वो मारे जाते, परमेश्वर उन्हें बचाना चाह रहा था। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसके मन में ये है कि लोग नाश हों, परमेश्वर उन्हें सजा दे, परमेश्वर सजा दे और इन्हें मार, परमेश्वर सजा दे इन्हें मार, चाहे परमेश्वर कह भी दे भी इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, और फिर क्षमा दे दे, अगर आप इस पक्ष में हैं तो आप योना जैसे ही हैं। चार देह 6 में पता ये चलता है, जब उसे परमेश्वर योना को छाया के लिए पेड़ दे दिया, तब पेड़ के कारण लिखा है बहुत आनंदित हुआ। 4:6 पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ, तब बहुत आनंदित हो गया। एक पेड़ दे दिया परमेश्वर ने छाया के लिए, तो उसके लिए कारण बहुत आनंदित हुआ। लेकिन परमेश्वर ने जब पापी लोगों को क्षमा दे दी, उनको जीवन दे दिया, परमेश्वर ने लोगों को जीवन दे दिया, तो योना को बहुत बुरा लगा, योना को बुरा लगा। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं, योना के दिमाग के लोग, अगर खुद को कुछ मिलता रहे तो अच्छा है, अच्छा अच्छा, परमेश्वर बहुत आनंदित होते हैं, लेकिन अगर दूसरे किसी व्यक्ति को कुछ मिल जाए तो फिर उन्हें बहुत बुरा लगता है, ये परमेश्वर उसको क्यों दे दिया, परमेश्वर से मुझे कुछ मिले तो खुशी, परमेश्वर से दूसरे को कुछ मिले तो दुखी, ऐसा स्वभाव अच्छा नहीं है। 4:1 परमेश्वर ने योना को क्षमा दी तो बहुत खुश था,
मगर परमेश्वर ने लोगों को क्षमा दी तो यहां लिखा है ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। किसका? योना का। बहुत बुरी लगी कि परमेश्वर तूने इनको क्षमा क्यों दे दी, और खुद जब मछली के पेट में क्षमा मांग रहा है परमेश्वर ने क्षमा दे दी। जब क्षमा दे दी तो बहुत अच्छा लगा, जब दूसरे को क्षमा दे दी तो बहुत बुरा लगा। सो परमेश्वर के लोगों ऐसी कुछ बातें हैं उसके स्वभाव की, तो उसके जीवन में ये सब बातें थी, अनाज्ञाकारिता थी, जिसके कारण उसे 3 दिन तक क्वारंटाइन में रहना पड़ा। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं तो आप उन्हें बाहर निकाल दीजिए, क्षमा मांगिए परमेश्वर से, परमेश्वर के अधीन हो जाइए, ताकि परमेश्वर इस महामारी के समय में आपको बचाए, आपकी परमेश्वर रक्षा करे। नहीं तो जो लोग आज्ञा का पालन नहीं करते वहां पर तूफान आता है। यहां समुद्र में क्यों तूफान आया? क्योंकि योना ने आज्ञा का पालन नहीं किया था। सब कुछ जब आज्ञा का उल्लंघन होता तो सब कुछ उल्ट पुलट हो जाता है। तूफान आता है जेब में, तूफान आता है परिवार में, तूफान आता है धन संपत्ति में, काम धंधे में तूफान आता है, बिजनेस में, शरीर के अंगों में, सब कुछ उथला पुथला हो जाता है जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं होता। लेकिन ये तूफान कैसे थमता है? जब उसने योना की एक अच्छी बात भी थी, 1 अध्याय उसका 12 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, मुझे उठाकर समुन्द्र में फेंक दो तब समुन्द्र शांत पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। जब उसने ये कहा मेरे के कारण आया है, आज कोई भी कहना नहीं चाहता ये समस्या मेरे कारण आई है, ये घर में लड़ाई मेरे कारण हुई है, ये परेशानी मेरे कारण हुई है, नहीं कहेंगे तेरे कारण हुआ है, घर में कुछ उल्टा पुलटा होगा तेरे कारण हुआ, कोई भी तूफान आगा कहेंगे तेरे कारण हुआ। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है और वो कहता है ये मेरे ही कारण हुई है। जैसे उसने इस बात को स्वीकार किया तूफान थम गया। सो परमेश्वर के लोगों आप समझें इस बात को, आप समझें अनाज्ञाकारिता तूफान लेकर आती है। आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो क्वारंटीन में जाना पड़ सकता है। परमेश्वर आज्ञा का पालन करें, आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उधार पाने के लिए नहीं, मुक्ति पाने के लिए नहीं कह रहा। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। और ऐसा स्वभाव मत रखिए, दूसरे को क्षमा मिले तो बुरा लगे, खुद को क्षमा मिले तो अच्छा है। खुद को एक पेड़ से छाया मिल गई कुछ मिले तो अच्छा है, दूसरे को कुछ मिले तो बुरा लगता है। ऐसा स्वभाव ना हो। आपके पास समय है, अपने चारों ओर देखो कैसे लोग मर रहे हैं, और अपना जीवन परमेश्वर को सौंपो। अपने को दीन करो, अपने को हलीम करो, अपने को नम्र बनाओ, ताकि परमेश्वर आपको बाहर निकाल ले इन सारी समस्याओं से, परेशानियों से। परमेश्वर पर विश्व मसीह आपको आशीष दें। पिता परमेश्वर पर विश्व मसीह आपको ब्लेस करें, आशीष करें। आमीन आमीन।